और इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रेहटी से, जहां पर बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दे रही है महिला, पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रेहटी से, जहां पर बच्चों के साथ पानी की टंकी पर महिला चढ़ गई है, टंकी पर चढ़कर महिला आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पानी की टंकी पर जो है महिला अपने बच्चों के साथ चढ़ी हुई है और आत्महत्या की धमकी दे रही है। इसका आरोप है कि पुलिस जो है इसके मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है। तो रेहटी की तस्वीरें हैं ये, जहां पर आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ किस तरीके से महिला जो है पानी की टंकी पर चढ़ी हुई है और वहां से आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। इस महिला का आरोप है कि पुलिस जो है इसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसीलिए आज ये आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी पर जो है चढ़ी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रेहटी की तस्वीरें हैं ये, जहां पर बच्चों के साथ, अपने दो बच्चों के साथ ये महिला जो है पानी की टंकी पर चढ़ गई है और वहां से धमकी दे रही है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। पुलिस पर इसने आरोप लगाया है कि पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करती है, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रही हूं, ये बात महिला कह रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से पानी की टंकी पर महिला चढ़ी हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ रेहटी संवाददाता बलराम सिसोदिया जुड़ चुके हैं। बलराम, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और वहां पर स्थिति इस वक्त क्या है। अभी तक महिला पानी की टंकी पर चढ़ी हुई है, लगभग महिला को 3 घंटे हो चुके हैं पानी की टंकी पर चढ़े हुए जी। महिला का सीधा सीधा आरोप पुलिस प्रशासन पर है। महिला का कहना यह है कि मैं कल मंगलवार के रोज दिन भर थाने में रही, लेकिन पुलिस द्वारा उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। वही महिला यह भी कह रही है पानी की टंकी के ऊपर से कि उस आदमी, जिस आदमी से उसका पैसा लेना है, उसने थाने के सामने ही उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी और पुलिस ने रात को 12 बजे तक उस महिला को थाने में बिठा कर रखा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। जी धन्यवाद बलराम जी, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे कहा हमारे जुड़े इसलिए धन्यवाद आपका। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी खबर आपको रेहटी से बता रहे हैं, जहां पर बच्चों के साथ पानी की टंकी पर महिला चढ़ गई है और टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। सीधा आरोप उसका पुलिस प्रशासन पर है कि उसकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है।